तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, इस वीडियो में आपको जो खुशखबरी बताने जा रहा हूँ वो सीआरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के बारे में है। बड़े सारे भाई ये पूछ रहे हैं कि सीआरपीएफ की क्या कोई भर्ती आने वाली है 2023 में, तो भाई इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही खुशखबरी आपको देते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूँ भाई, जो सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में बात करें तो भाई बड़े सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो हाँ भाई, भर्ती आने वाली है, बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आने वाली है कांस्टेबल की। तो भाई ये कहाँ पे आई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है सीआरपीएफ के द्वारा, जो द गजट ऑफ इंडिया में ये लॉन्च करी गई है, ठीक है। उस नोटिफिकेशन में बताया है कि कितनी पोस्टेज है, कितनी सैलरी रहने वाली है, सब कुछ बताया भाई। चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं हम क्या नोटिफिकेशन है, ठीक है। शुरू से लास्ट तक देखेंगे कौन सी नोटिफिकेशन है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सी भर्ती है। ये देखो यहाँ पे आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने निकाली है ये नोटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि सीआरपीएफ उनके अंडर आती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई ये, आपके लिए लाई है। ऐसे अगली भी कोई भर्ती आएगी तो अपने चैनल पे सबसे अच्छी और सबसे पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये इन्होंने बताया है कि कैसे भर्ती कंडक्ट करी जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बताऊँगा कि कितनी पोस्टेज आने वाली है। और ये देखो सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट देखो, आप यहाँ पर देख लो जीडी की, कांस्टेबल जीडी की। और कितनी पोस्टेज रहने वाले, 1,29,929, यानी कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज पहली बार आएंगी भाई। तो तैयारी रखो अपनी, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ठीक है। और जनरल ड्यूटी और ग्रुप सी की भी आने वाली है, नॉन गजटेड पोस्टेज निकलेंगी। और उसकी जो सैलरी आने वाली है आप देख सकते हो यहाँ पे, कितनी सैलरी है पूरी बताई गई है, ठीक है। 21,700 से लेके 70,000 तक सैलरी रहने वाली है जीडी सीआरपीएफ की, ठीक है। तो ऐसी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। आपकी जो एज है वो अगली वीडियो में जब भर्ती आएगी ऑफिशियल साइट पे, जब इसके फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे तो आपको बता दूंगा कितनी है क्वालिफिकेशन और कितनी एज रहने वाली है, इसमें बताऊँगा। तो थैंक यू, ये थी छोटी सी वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं ऐसे ही अपडेट्स आपको देता रहूँ।